हमारे पास प्रश्न आया हुआ है, पंडित श्री लक्ष्मीकांत कौशिक दिल्ली से हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या बालकों के तथा स्त्रियों के श्राद्ध में क्या बालकों को या स्त्रियों को ही निमंत्रित करना चाहिए? बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि स्त्री के श्राद्ध में स्त्रियों को निमंत्रित करते हैं और बालकों का कोई श्राद्ध होता है तो उसमें बालकों का निमंत्रण किया जाता है, ऐसा देखा गया है। क्या ये शास्त्रीय पक्ष है, ऐसा करना उचित है? देखिए, किसी भी श्राद्ध में कहीं भी न तो स्त्रियों का निमंत्रण करना चाहिए, न कन्याओं का निमंत्रण करना चाहिए, न बालकों का निमंत्रण करना चाहिए, न अनुपनीतों का करना चाहिए, न ब्राह्मणों से इतर किसी भी महात्मा, अरे वो तो महात्मा है, किसी भी जाति का है, किसी का भी निमंत्रण में अधिकार नहीं है, तथा कोई भी सन्यासी आदि या कोई भी ब्राह्मण को छोड़कर के और किसी भी वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का भी, चाहे किसी भी प्रकार के वे योग्य हैं, तब भी श्राद्ध में निमंत्रण करने के अधिकारी नहीं है। उनको श्राद्ध में या कहीं भी ब्राह्मणों की जगह पर निमंत्रित नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सर्वथा निषिद्ध है। देखिए, जो पूछा है आपने कि स्त्रियों को निमंत्रित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जो है प्रमाण देखिए, बृहत पाराशर स्मृति के सातवें अध्याय के 71वें श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं कि न भोजयेत स्त्रियं श्राद्धे यद्यप्य व्रतचारिणीं पात्रं तस्यै समर्पयं स्याद्यति धर्म विद्ब्रवीत। ये कह रहे हैं कि स्त्रियं श्राद्धे न भोजयेत यद्यप्य व्रतचारिणीं, चाहे कितनी भी व्रतों का परिपालन करने वाली, नियमों का परिपालन करने वाली वो श्रेष्ठा ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी श्राद्धे स्त्रियम न भोजये, श्राद्ध में स्त्रियों का, स्त्री का भोजन नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध में तो धर्म विद, धर्म को जानने वाले विद्वानों ने सदपात्र को ही, सदपात्र यानी गृहस्थ ब्राह्मण को ही नियुक्त करने के लिए कहा गया है। सदाचार संपन्न, विद्या गायत्री से युक्त जो है सच्चरित्र ब्राह्मण का ही निमंत्रण करना शास्त्र में विहित है। हां, यदि किसी की माता सौभाग्यवती हुई है, सौभाग्यवती अवस्था में वे दिवंगत हुई हैं, उनको जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो अर्थात यानी पति के रहते पत्नी की पहले मृत्यु हो गई है, तो उनके श्राद्ध में ब्राह्मण के निमंत्रण के साथ एक स्त्री का भी निमंत्रण करे, अर्थात जोड़ा से निमंत्रण करे, केवल स्त्री का नहीं, उसमें ब्राह्मण देवता को बुलाए और उनकी पत्नी को भी बुला लेना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र में वचन मिलता है। किनके लिए? जो सधवा अवस्था में दिवंगत हुई है उनके श्राद्ध में। देखिए, मार्कंडेय ऋषि का वचन है कि भर्तुरग्रे मृता नारी सदाहेन वा मृता तस्या स्थाने नियुंजीता विप्रई सह सुवासिनी। भर्तुरग्रे मृता नारी, जो माताएं भर्ता के सामने ही दिवंगत हुई हैं, अथवा सदाहेन वा मृता, अथवा जिन्होंने सहदाह किया है, अनुब्रजमन किया है, सती हो गई है जो, अर्थात अपने पति के साथ चितारोहण किया है जिन्होंने, ऐसी माताओं के श्राद्ध में तस्या स्थाने प्रयुंजीता, उनके स्थान पर विप्रई सह सुवासिनी, ब्राह्मण के साथ एक सुवासिनी यानी उन ब्राह्मण की पत्नी को जोड़ा से निमंत्रित करना चाहिए, वहां उनका निमंत्रण हो सकता है, ये बात जो है बतलाई गई है। अन्यथा लोग ऐसा करते हैं कि जैसा है वैसा ही, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई किसी का पिताजी जो है, कोई पिता काणा हो तो वो काणे को निमंत्रण करना,
कोई खलवाट हो तो खलवाट ढूंढ लो भैया, किसी का जो है कान कट गया है तो अपने जो है ब्राह्मण को ढूंढिए जिसका कान पैर कटा हो, ऐसे ही ब्राह्मण को ढूंढ करके निमंत्रित करना चाहिए। कोई छोटा है तो छोटा लाइए, बड़ा है तो बड़ा लाइए, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। ये सब जो है हास्यास्पद है, ये सब कार्य ऐसा नहीं करना है। शास्त्र मुख्य रूप से ब्राह्मण ही, अगर कोई फिर तो ऐसा होने लगेगा भैया कोई क्षत्रिय है तो वो अपने क्षत्रिय को लाएगा, वैश्य है तो वैश्य को लाएगा, है ना। तो ये और जो शूद्र आदि वो कहेंगे कि भाई हम तो अपने को निमंत्रित करेंगे, अपने भांजे को निमंत्रित करेंगे। ये सब जो है अशास्त्रीय कृत्य है। मुख्य रूप से क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न गृहस्थ ब्राह्मण ही समस्त श्राद्धों में निमंत्रण करने योग्य है, वही समस्त श्राद्धों का भोक्ता हो सकता है। अन्य जगह पर और सब कार्य करना, इससे शास्त्रों से विरुद्ध कार्य करना, वो सब अशास्त्रीय कृत्य है, उनका कोई फल होने वाला नहीं है। जबकि वो उनका और जो है शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने का आपको प्रत्यवाय लगेगा। इसलिए इस कर्म में सदा सावधान रह करके वेद विधि के अनुसार ही श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। हर हर महादेव।